जय राम जी की उजला देवी। नमस्कार उजला जी। नमस्कार नमस्कार। तुम हैरानी की कोई बात नहीं उजला देवी, काली मैया की कसम बलभद्र सिंह दुनियादारी निभाना अच्छी तरह जानता है। क्यों आए हो यहाँ? बधाई देने। वो क्या है उजला देवी कि हम ऐसे मौकों पे जरूर जाते हैं, जैसे ही हमें इस बात की खबर लगी तो हमसे रहा नहीं गया और हम तुम्हें बधाई देने चले आए। ऐसा महान कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे ऐसा महान अवसर आपकी जिंदगी में हो। वाह, पार्टी के भविष्य के लिए और जनता के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए आपने खुद अपने बच्चे की बलि दे दी। वाह, राजनीति में तो इससे भी बड़े बड़े बलिदान दिए जाते हैं बलभद्र जी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, उजला जी आज इतनी खामोश क्यों है? अरे औरत है ना बेचारी, मोहमाया से कैसे भाग सकती है? काली मैया की कसम उजला देवी, हमें आज भी याद है जब हमारी पत्नी 12वीं बार गर्भवती हुई तो हमने देश की बढ़ती आबादी को देखकर अपने 12वें बच्चे को गिरवाने का फैसला कर पब्लिक में मिसाल बनने का पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया था। हाय 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 हाय, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, वो मौका भी हाथ से निकल गया और हमारी पत्नी का मिसकैरेज हो गया। बोल चुके तुम? नाउ प्लीज गेट आउट। अरे गेट आउट तो हो ही जाएंगे, अब अपने विचार, अपने आदर्श और अपने नीति का ब्यौरा हमसे सुन। तूने बलभद्र सिंह को नीचा दिखाने के लिए इस नए नाटक की रचना की है उजला देवी। क्या? ज्यादा ढोली मत बन। काली मैया की कसम, हकीकत ये है कि जनता के सामने मिसाल बनने के लिए तूने अपना बच्चा गिराया नहीं, बल्कि वो किसी हादसे का शिकार होकर खुद गिर गया है और तुमने इसे पॉलिटिकल रंग दे दिया, प्रेस में झूठा बयान दे दिया, जिसे अखबार वालों ने फ्रंट पेज पर छापकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, हम उस डॉक्टर को ही जनता के सामने खड़ा कर देंगे जो इस हादसे का जीता जागता सबूत है। उजला देवी, हमको ढोंगी कहने वाली तो खुद जनता के सामने ढोंगी साबित हो जाएगी। जनता को मालूम हो जाएगा कि तू जनता के सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। काली मैया की कसम, हमने भी तेरी साफ सुथरी इमेज को दाग लगाने का प्रण कर लिया है। बहुत जल्द तेरे उजलेपन पर काले काले धब्बे नजर आने लगेंगे और इस स्टेटमेंट से बलभद्र सिंह का बाल भी बाका नहीं होने वाला। उजला देवी, एक बात गांठ मांग ले, बलभद्र सिंह से टकराने वाला या तो खुद मिट्टी में मिल जाता है या हम उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं।